एक प्यारा सा यंग कपल होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, पर बॉस पैसा नहीं आ रहा था, कमाई नहीं हो रही थी, तो बिना पैसा चलता नहीं है बॉस इस जमाने में। वो बोलता है अपनी बीवी से कि मैं परदेश जाता हूँ और पैसा कमा के लाता हूँ, तो बीवी बोलती है तुम जा सकते हो। गया एक सेठ के यहाँ, गया बड़े शहर में, सेठ बड़ा जानदार आदमी था, तो एक साल जैसे कंप्लीट हुआ वो लेके आया कि ये लीजिए आपकी तनख्वाह। बोला एक साल से नहीं चलेगा, मुझे तो आपके यहाँ रहना है, जिस दिन मैं जाऊँ उस दिन मुझे पूरा साथ में दे देना। 18 साल अगला वार रहा, कितना 18 साल। जब वो जाने लगा तो सेठ ने क्या कहा, उसका पूरी मजदूरी साइड में ला के रखी पूरी, और उसका इनाम रखा, और साथ में बोला कि देखो एक साइड तो तेरे 18 साल की मजदूरी और पूरा इनाम है, और दूसरी साइड मेरी तीन सीख है। तीन सीख क्या क्या है, अगर तू बोले तो मैं सीख दूँ, तो पर तेरी कमाई पूरी पूरी चली जाएगी। जिसको पैसे पैसे के लिए घर छोड़ना पड़ा था वो आदमी सेठ को समझ गया। वो बोला सेठ 18 साल और काम कर लूंगा, पर आपकी तीन सीख मुझे दीजिए। वो तीन सीख उसको दी गई। बोला पहली सीख, जिंदगी में कभी कोई शॉर्टकट मत करना, लाइफ में कभी आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट मत जाना। दूसरा, ज्यादा उतावलापन और ज्यादा उत्सुकता मत दिखाना, और तीसरा, कभी भी बिना सोचे समझे गुस्सा मत करना। तो बोला सर डन। बोला ठहर, तीन टाइम का खाना दे रहा हूं। बोला डन। वो दोनों तीनों खाने ले लिए और वहां से रवाना हुआ। जंगल से जा रहा है कि दो आदमी मिले, बोले कहाँ जा रहा है, बोला वीरमपुर जा रहा हूँ। बोले इधर से शॉर्टकट है, इधर से इधर को 5 दिन लगेगा, इधर 21 दिन लगेगा। वो बोला जाने वाला कि उसको सेठ की याद आई, सेठ ने बोला था डोंट टेक शॉर्टकट। बोला नहीं 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 नहीं। वो रात को पहुंचा वहां से सीधा एक किसान के घर पे। किसान को बोला यार ऐसे ऐसे वो मुझे मिला और ऐसे ऐसे बोला। बोले अरे यार अच्छा किया तू नहीं गया, वो लोग डाकू लोग हैं, वो आदमी को पकड़ते हैं, लूटते हैं, मार डालते हैं, उसका सामान भी पूरा ले लेते हैं। तब उसको सेठ की पहली सीख याद आई कि शॉर्टकट लाइफ में। दूसरा, वो जैसे ही वो किसान थका हुआ था, बोला यार मेरे पास रुकने की कोई जगह नहीं है, मेरे खलिहान में तू चला जा, एक झोपड़ा है, उस झोपड़े के अंदर है ना, तू एक अंदर एक लगा के बैठ जा। वो चला गया, रात को उसके अंदर बैठ गया। रात को क्या हुआ, जोर जोर से आवाज आई, क्या हुई, एक बार तो लगा के मैं खोलूं, पर उसने लगा कि यार खोलने में, मेरे सेठ ने मुझे बोला था कि ज्यादा उत्सुकता ज्यादा उतावलापन, छोड़ दिया उसको। सुबह 4 बजे वो किसान दौड़ता हुआ आया, अरे 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 भैया खोलो खोलो खोलो, बच गए क्या। बोले क्या, अरे रात को मैं थका हुआ था, मैं तेरे को बोलना भूल गया रात को। बोले क्या किया, एक बब्बर शेर आता है और वो रात को जोर जोर से थपथपाता है, तूने खोला तो नहीं ने। बोले नहीं खोला, तो बोले तू बच गया। बोला सेठ का ये दूसरा भी मेरा फॉर्मूला। अब वो पहुंचा रात को घर पे, रात को जब 11 बजे घर पे पहुंचा तो देखता है कि बीवी सोई हुई है और पास में एक लड़का सोया हुआ है नौजवान। अब इसको खून नहीं आया कि मैंने 18 साल वफा की जिसके लिए मैं दौड़ा और लड़के के साथ सोई हुई है। उसके मन में ये बात आई, वो जैसे ही उसको मारने वाला था उसका सेठ का याद आया कि गुस्से में कोई काम नहीं करने। वो बोला अभी जो बात है वो सुबह बात करेंगे। वो बाहर बैठा रहा, सुबह सुबह जैसे ही उसकी बीवी ने उसको देखा वो लिपट पड़ी, अरे तुम 18 साल के बाद आए और ये मिलो अपना 18 साल का लड़का, जब तू गई तो ये मेरे पेट में था। तो जब वो उसको लगा कि सेठ की तीसरी सीख भी, अब वो खाना वहां से उसने खोला, खाना खोला तीसरा, जैसे ही लड्डू उसने खोला उसके अंदर से सोने की मोहरें निकली। वो 18 साल की कमाई और मेहनत उसमें लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि देख तू, मुझे मालूम है तू तीनों सीख पालेगा। तो जिंदगी में बॉस है ना, पैसा कमाने के लिए कभी सट्टा वगैरह शॉर्टकट मत करना तुम लोग। जिंदगी में है ना, जिंदगी में कभी शॉर्टकट है ना पैसा कमाने के लिए, रोम वॉज नॉट मेड इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बनाता, धीरे धीरे पैसा कमा लेंगे पर शॉर्टकट नहीं। दूसरा, ज्यादा उत्सुकता और ज्यादा उतावलापन के चक्कर में ड्रग्स मत ले लेना, या टेस्ट करना है कैसा है कैसा है कोई चक्कर में। और तीसरा, गुस्से में आके कभी अपनी माँ बाप के ऊपर गुस्सा मत निकाल लेना। बोलो जिन शासन।